लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संजना जी, सभी को जय सियाराम। और आज मैं अरण्यकांड में दोहा 20 से प्रारंभ कर रही हूं। प्रारंभ करूं जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सियाराम। राम राम कहित तनु तजई पावई पद निर्वाण, करी उपाय रिपुमारे छनमहु कृपा निधान। हर्षित बरषई सुमन सुर बाजई गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतै लै आए प्रभु पद परत हर्ष उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देख कर दूषण के राजाई सुपनखा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोस के सुरति बिसारी। करसी पान सोवस दिनु राती सुरी नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, शंफल पड़े सिए अरुपाए। संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते राजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुं सुदशरथ अजर बिहारी। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिय ना छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन सभा। माज मरी व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर मोरी की असि गति होई। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कही तब नासा कान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह सिंह बन खेलन आए। समझ परी मोहि उनके करनी, रहत निसाचर करी है धरनी। जिनकर बुझ बल पाई दसानन, अभय भय बिचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल पदरथ सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितव भगनी करही परिहासा। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्मारा। खर दूषण किसरा कर गाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, तवो सुदशरथ अजर बिहारी। सूप न कही समझाई करी, बल बोले सी बहु भाती। गयु भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि मन संबलवंता, तिनय कुमारई बिनु भगवंता। सुर रंजन बंजन मही बारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जा ही बैरु हटि करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। कोई है भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जोर नर रूप भूप सुत को, हरि हउ नाई जीत रन दो। चला अकेल जानी चढ़ी तहवा, पस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनऊ उमा सो कथा सुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दवो सुदशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद।
सुनऊ प्रियाव्रति रुचिर सुशीला में कछु कर ललित नर लीला तुम पावक मह करो निवासा चोलग करो निसाचर नासा जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरी है अनल समानी निज प्रतिबिंब राकिता सीता तैसे ही सील रूप सुविनीता लक्ष्मण मन हुआ परमरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना तस्मुख गयउ जहां मारी चा नाई मात स्वारथ रतनीचा नवर नीच के अति दुखदाई जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई भयदायक खल के प्रिय बानी जिमी अकाल के कुसुम भवानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी करी पूजा मारी चितब सादर पूजी बात कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आय हुतात दसमुख सकल कथा तेही आगे कही सहित अभिमान अभागे हो कपट मृग तुम छलकारी जेह विधि हरि आनो नपकारी तेही पुनि कहा सुनऊ दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा तासो तात बयर नहीं कीजे मारे मारिय जी आए जीजे मुनि मख राखन गये कुमारा बिनु खर सर रघुपति मोरी मारा मोहि मारा सत जोजन आय छन माही तिन सर सन बैरु किए खलबाई नाही भई मम कीट रंग की नाई जहता मैं देखो दो भाई जो नर तात तदपि अति सूरा तिनै विरोधि न आये पूरा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी जही ताड़का सुबाहु हति खंडे हर को दंड हर दूषण तिसरा बदेउ मनऊ की अस बरिबंड जाहु भवन कुल कसल कुशल विचारी सुनत जरा दी नसी बहुगारी गुरु जिमी मूड करसी मम गोधा कहु जग मोहि समान को जोधा तब मारी हृदय अनुमाना नवई विरोधे नहीं कल्याणा सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंद कवि मान बहानस गुनी उभय भांति देखा निज मरना तब ताकि सिर रघुनायक सरना उतरो देन मोर की बधव अभागे कसना मरो रघुपति सर लागे अस जिय जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हर्ष जनाव नते ही आज देखे हूँ परम स्नेही निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल करी सुख पाई हो श्री सहित अनुज समेज कृपा निकेत पद मन लाई हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसई बस करी निज पानी सर संधानी सो मोही बदई सुख सागर हरी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फिरी फिरी प्रभु बिलोक हो धन नामो सम आन तेहि बन निकट दसानन गए तब मारीच कपट मृग भय अति विचित्र कछु बरन न जाई कनक देखी मन रचित बनाई सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा सुनौ देव रघुवीर कृपाला ए मृग करत अति सुंदर छाला सत्य संद प्रभु बदी करी एही आनऊ चर्म कहति वै देही तब रघुपति जान सब कारण उठे हर्ष सुर काजु सवारन मृग बिलोकी कटी परिकर बांधा करतल चाप रुचिर सर सांधा प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई फिरत विपिन निश्चर बहुबाई सीता केरी करे रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभु बिलोक चला मृग भाजी धाय राम सरासन साजी निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सोधावा कबहु निकट कुनि दूरी पर आई कबहु प्रगटई कबहु छिपाई प्रगट दुरत करत छल भूरी एह विधि प्रभु गए उले दूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरनी परे करी गोर पुकारा लक्ष्मण कर प्रतिमहि लय नामा पाछे सुमिर सिमन महुरामा प्राण तज प्रगटे से निज देहा सुमिर सि राम समेत स्नेहा अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी विपुल सुमन सुर बरषई गावै प्रभु गुण गात निज पद दीन असुर कहा दीन बंधु रघुनाथ खल खलबदी तत्पले फिरे रघु बीरा सोचाप कर कटितू नीरा आरत गिरत सुनी जब सीता कह लक्ष्मण परम सभीता जान जाहु बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण प्रिहसि कहा सुन माता भ्रकुटि विलास सृष्टि लय कोई सप होई सपने हु संकट पर सोई मरम बचन जब सीता बोली बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला
बन दिसि देव सौपि सब काहू चले जहां रावण ससि राहू सून बीन ईच सस्कंदर देखा आवा निकट जति के वेशा जाके डर सुर असुर डराई निसिना नींद दिन अन्न न खाई सो दस शीश स्वान की नाई इत उत चितई चला भड़ी आई इमि कुपंथ पग दित खगे सारा ना ते तन बुद्धि बल लेसा नाना विधि करी कथा सुनाई राजनीति भय प्रीत दिखाई कह सीता सुन जति गुसाई बोले वो वचन दुष्ट की नाई तब रावण निज रूप दिखावा भय प्रस सभय भय सभय जब नाम सुनावा कह सीता धरि धीरज गाढ़ा आई गए प्रभु रखल ठाड़ा जिम हरि बदुई क्षुद्र सस चाहा भय शिकार बस निश्चर नहा सुनत बचन दसी सिरसाना मनमऊ कचरण बंदी सुख माना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सदशरथ अजर बिहारी क्रोधवंत तब रावण लीन लीन सिरथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय हा कि न जाई हा जग एक रघुराया के अपराध विसारे हुदाया आरती हरन सरन सुखदाया हार गुकुल सरोज दिर नायक हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा सो फल पाए उकिन रोसा विविध बिलाप करति बेदेही भूरि कृपा प्रभु रूप दूर स्नेही विपति मोरी को प्रभु सुना प्रभु ही सुनावा पुरोडास चहरा सब खावा सीता कह विलाप सुरी सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी गीदराज सुनी आरति बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी अधम निसाचर लीन जाई जिम स्मले छिम बस कपिला गाई सीते पुत्र करसि जनि त्रासा करिहौ जात दान करनासा धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटे पवि पर्वत पर्वत कौ जैसे रे रे दुष्ट ठाड़ किन कोई निर्भय चले से न जाने जाने ही मोही आवत रेख कृतांत समाना फिर सिकंदर कर अनुमाना की मैं नान की खगपति होई मम बलियान सहितपति सोई जाना जरठ जटायु एहा मम तीरथ छाण ही देहा सुनत गीत को धातुर धावा कह सुनि रावण मोर सिखावा तज जान कर कुशल ग्रह जाहू नाही ता अस होई है बहुबाहु राम रूष पावक अति घोरा होई है सकल सलभ कुल तोरा उतरु न देन दसानन जोधा तबई गीत धावा करि क्रोधा धरि कछ बिरथ की नहीं गिरा सीतई राख गीत कुल फिरा चोचन मारी विदा सिद्धे ही दंड एक भई मुरछाते ही तब सक्रोध निश्चल किसी आना काड़े सी परम कराल पाना काटे सी पंख पराख घरनी सुमरी राम करि अद्भुत कनी सीतहि जान चढ़ाई बहोरी चला उतायल त्रास न थोरी प्रति विलाप जाति नब सीता ब्याद भी बस जनु मृगी सभीता गिरी पर बैठ कपिन निहारी कही हरि नाम दीन पट डारी ए सीतई सो ले गए मन अशोक महाराखत भय मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी हारी परा खल बहु विधि भय हर प्रीत दिखाई तब अशोक पादप तर राख सि जतन कराई जे विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री नाम सो छवि सीता राख उर रटति रखति हरि नाम रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता की विशेष जनक सुता परिहरे अकेली आये उतात वचन मम पेली निश्चर निकर फिरही मन माही मम मन सीता आश्रम नाही गही पद कमल अनुज कर जोरी अके कहु नाथ कछु मोरी न खोरी अनुज समेत गए प्रभुता वा गोदा पितृट आश्रम जहवा आश्रम देख जानकी ही ना भय विकल जस प्राकृत दीना हागुन खान खान जानकी सीता रूप सीत व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहुभाती पूछत चले लता तरुपाती हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुकर निकर कोकिला प्रवीणा कुंद कली दाड़ी मुदामिनी कमल सरद ससी अहि भामिनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा शीफल कनक कदली हर्षाही ने कुन संक कुछ मन माही सुन जानकी जानकी तो बिनु आजू हर्षे सक पाई जनुराजू के में सही जात अनख तो ही पाही प्रिया बेग प्रगट सिकस नाही एह विधि खोजत बिलपत स्वामी मन हो महाबिरही अति कामी पूरन काम राम सुख सासी
मनुज चित कर अज अविनाशी आगे परा गीतपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी पर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुबीर निरखि राम छवि धाम मुख बिगत भई सब पीर तब तब कह गीत बचन धरि धीरा सुनऊ राम भंजन भवीरा नाथ दसानन यह गति कीना तेहि खल चनक सुता हरिनी दक्षिण दिशि गयो गोसाई पिलपति अति कुरली की नाई तरस लागे प्रभु राखे उप्राना चलत चहत अब कृपा निधाना राम कहा तनु राखहु ताता मुख मुस्काई कही तई बाता चाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुकुत हो श्रुति गावा गावा सोमम लोचन गोचर आगे राखो देख देह नाथ कही खागे जल भरी नयन कही उराई तात कर्म निज ते गति आई पर दिवस तीन तिन जिनके मन माही कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही तनु तजि तात जाहु मम धामा देहु काह तुम पूरन कामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवुच दशरथ अजर बिहारी सीता हरन तात जनी कहो पिता सब सन जाई जो मैं राम न तो कुल सहित कही दसानन आई गीत दे तजि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट दीत अनुपा श्याम गात विसार त्रिभुज चाही अस्तुति करत नयन भरी बारी जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीर्ष बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोच नम नित नौमी राम कृपाल बाहु विशाल भौवै मोचन बल बल प्रमेय मनादि भजमव्य भक्त मेघ गोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान धन धरनी धरम जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन मन रंजनम नित नौमी राम अकाम प्रिय कामाति खलदल गंजनम जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे पावही सो प्रकट करुणा कंद शोभा ब्रंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भ्रंग अंग अनंग बहु छवि सोहि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यंत जम जोगी जतन करि करत मन को बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसउ सो सम संस्कृति जात जासु कीरत पावे मंगल भवन अमंगलकारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी अविरल भगति मागि कर गीत गयो हरि धाम तेई की क्रिया जतो जित निज कर दीन राम कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला गीत अदम खग आमिष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी सुनम उमा तेर लोग अभागी हरित तजी होई विषय अनुरागी पुनि सीतई को जत दो भाई चले लोकत बन बहुताई संकुल लता विटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन आवत पंथ कबंद निपाता ते सब कही साप कह वाता दुर्वासा मुहि दीनी सापा प्रभु पद पे की मिटा सो पापा सुरगंधर्व कह कहुत तो ही मोरी न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच सिव बस्ता के सब देव सापत ताड़त परशु कहंता विप्र पूजे अस गवही गावही संताप पूय पूजे विप्र सील गुणहीना सूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा कही निज धर्म ताहि समझावा निज पद प्रीत देख मन भावा रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयो गगन आपने गति पाई ताहि दे गति ग्राम उतारा सबरी के आश्रम पर पगुधारा सबरी दे कि राम ग्रह आए मुनि के वचन समझ जिए भाए सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन मला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल चरण पखाए पुनि सुंदर आसन बैठारे मंगल भवन अमंगल हारी तहु दशरथ अजर बिहारी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी
पानी जोरी आगे बैठारी प्रभु बिलो की प्रीति अति बारी कहे विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मत भारी अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मह में मति मंद अघारी कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगत कर नाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई तन बल गुण चतुराई भगत हीन नर सोई सोहई कैसा बिनु जन बात जल बारिद देखई जैसा नवधा भगति कहू तोई पाई सावधान सुन धरुमन माही प्रथम भगति संत कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा मंगल भवन अंगल हारी द्रमु सुश्रद अचर बिहारी गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गन करई कपटी तज गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सोबेद प्रकाशा छठ दम सील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव समोही मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा आठव जथा लाभ संतोषा सपने देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोसी हे हर्षन दीना नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहू आज सुलभ भई सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा जनक सुता कई सुधि भामिनी जानही कहू करी वर धामिनी पंपा सरद सरही जाहु रघुराई तह होई है सुग्रीव मिताई सो सब कही देव रघुबीरा जानतहु पूजा जानतहु पूछौ मति धीरा बार बार प्रभु पद सुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई कही कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक देहि हरि पद लीन भय जह नाहि हिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु मंगल भवन अमंगल हारी द्रमु सुश्रत अचल बिहारी जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असि नारी महामंद मन सुख तहसी ऐसे प्रभु सारी चले राम त्यागा बन सो अतुलित बन नर के हर दो बिरही इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा देखत के कर मन नहीं छोबा नारी सहित सब खग प्रबंदा मानव मोर करति हरि निंदा हमहि देखि मृगन कर पराही मृगी कही तुम कह भवनाही तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोज ए आए संग लाई करनी कले ही मानव मोहि सिखावन देहि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखई भूप सुसेत बस नहीं लेखई राखी नाय जतप उर्माही जुगती शास्त्र पति बस नाही देखो ता बसंत सुहावा प्रिया हिन मोहि भय उपजावा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु सुरशिरत अचर बिहारी बिरह विकल बलहीन मोहि जान से पट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन नीक कीन बग मेल देख गए उभ्राता सहित तासु दूत सुनी बात डेरा की न्यू मनु तब कटव हटक हटकी मन जात पिटप विशाल लता अरुझानी विविध वितान दिए जनुतानी कदल ताल हर दुजा पताका देख न मोह धीर मन जाका विविध भांति फूले तरुनाना जनु बानेत बने महु बाना कहुत कहूं सुंदर पिटप सुहाए जनु भट बिलक बिलक होए छाए पूजत पिक मानहु गजमाते ढेक महो ऊट बिसराते मोर चकोर तीर बरबाजी पारा वत मराल सब ताजी तीतर लावक पद चजू था पर न जाई मनोज पूथा रथ गिरी सिला दुदुंबी झरना चातक बंदी गुनगन बर नाम दुकर मुकर भोयरी सहनाई त्रिविध बयाति बसीठी आई चतुरंगनी सेन संगलीने पिचरत सबहि सुनौती दीने लक्ष्मण देख काम अनीका रहे धीर तिनके जगली का एक परम बल नारी तेते उबर सुभट सोई भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रमु सुदशरथ अजर बिहारी तात तीन अति प्रबल थल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करे मिश महु छोभ लोभ के इच्छा दम्भ बल काम के केवल नारी
क्रोध के परश बचने बल मुनिवर कहे बिचारी गुनातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंदर जामी कामिन के दीनता दिखाई दी धीरन के मन बिरत दृढ़ाई क्रोध मनोज लोभ मत माया मद माया छूटे सकल राम की दाया सोनर इंद्र जाल नहीं भूला जापर होई सोनट अनुकूला उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा संत हृदय जैसे निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी जहता प्रिय विविध मृग नीला जनो जन उदार ग्रह जाचक दीरा मंगल भवन अमंगल हारी रमो सुदशरथ अजर बिहारी पुरे ने सघन ओट जल बेगिना पाए मर्म माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सुखी में एक रस अति अगाध जल माही जता धर्म सीरन के दिन सुख संयुत जाही बिकसे सर सिज नाना रंगा मधुर मुखर मुखर गुंजत बहु भृंगा बोलत जल कुकुट कर हंसा प्रभु बिलोक जल करत प्रशंसा चक्र बाक बक खग समुदाय देखत बनई बरनी नहीं जाई सुंदर खग नगन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बोलाई ताल समीप मुनि गह छाए चहु दिस कान बिटप सुहाए चंपक बकुल कदंब तमाला फाटल पनस परास रसाला नव पल्लव कुसुमति तरुनाना चंचरीक पटली कर गाना शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतत भाई मनोहर बाऊ कुहू कुहू कोकिल तुम रही सुनी रवर सरस ध्यान मुनि तही मंगल भवन मंगल हारी रमो सुदशरथ अजर बिहारी फलवारन नमीन बिटक सब रहे भूमि निराई पर उपकारी पुरुष जिमी न वही संपति पाई देखी राम अति रुचिर तलावा जिन कीन पर सुख पावा देखी सुंदर तरुवर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया तह मुनि सकल देव मुनि आए अस्तुति करि निज धाम से आए बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुज सन कथा रसाला विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भासु विशेषी मोर साप करि अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु ही प्रभु ही बिलोक जाई पुनिना बनई असित सरो आई यह विचारी नारद कर बीना गए जहां प्रभु सुख आसीना गावत राम चरित मृदु वाणी प्रेम सहित बहुभाग तिपखानी कर दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण साथ चरण पखारे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी नाना विनती करी प्रभु प्रसन्न जी रानी नारद बोले बचन तब जोरी सरूर सरोर पानी सुनहु उदास सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम बन बरदायक देहु एक बर मांग स्वामी तद्यपि जानत अंतर जामी जानम मुनि मोर सुभाव जन सन कपों की करऊ दुराव कवन बस असी प्रिय मोहिला की जो गुनी मर ना सकल कहू तुम मागी जन कहू कछु अदे नहीं मोरे अस विश्वास तजहु जनी भोरे तब नारद बोले हरिशाई असबन मांगो करो जिठाई जद प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एक ते एका राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अगर थग गर्भति का मंगल भवन अमंगल हारी द्रंस दशरथ अजर बिहारी आकार रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम अपर नाम उडगन विमल बसो भगत उर व्योम एव मस्तु मुन सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ मात अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदु वाणी राम जब ही प्रेरे निज माया मोहु मोहि सुनु रघुराया तब विवाह में चाहू कीना प्रभु के ही कारण करे न दीना सुन मुनि तो ही कहो सहरोसा भजई जे मोहित तज सकल भरोसा करो सदा दिन के रखवारी जिमि पालक राखई मातारी गह शिशु बच्च अनल अधि अहिधाई तहराखई जननी अरगाई प्रौढ़ भय तेई सुत पर माता प्रीति करई नहीं पाछिल बाता मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी बालक सुत समदास मानी जनहि मोर बल निज बल ताही
तू कहूं काम क्रोध रिपु आही या विचार पंडित मुहि भजही पायो ज्ञान भगत निज तही मंगल भवन अमंगल हारी तू सुख शिरत अचर बिहारी काम क्रोध लोभादि पद मद प्रबल मोह के धारी तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। मुनि कहा पुराण शुद्ध संता मोह विपिन कहू नार बसंता जप तप नेम चाश्रय छारी होई ग्रीष्म सोशे सब नारी काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हर्ष प्रद वर्षा एका दुर्वासना कुमुद समुदाय तिनका सर सदा सुखदायी धर्म सकल सरी सीरु वृंदा कोई हिम तिनहि तहि सुख मंदा पुनि ममता जवास बहुताई पलुहरि नाई सिर ऋतु पाई पाप उलु निकर सुखकारी नारी निपिड़ रजनी अंधियारी बुद्धि बल सीर सत्य सम मीना मकन सीर मंगल भवन अमंगल हारी अजर बिहारी अगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सबर दुख खानी ताते की निवारण मैं यह जे जानी सुनि रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरी आए कहो कवन प्रभु के असी रीति सेवक पर ममता अरुप्रीति जे न बजई अस प्रभु प्रभु त्यागी ज्ञान रंक नर बंद अभागी पुनि सादर बोले मुनि नारद सौ राम विज्ञान विसारद संत के अच्छन रघुबीरा कहो नाथ भव भंजन भीरा सुन मुनि संतन के गुण कहो जिनते मैं उनके बस रहूं चट विकार जितन अनग अकामा अचल अकिंचन सुच सुख धामा अमित बोध अनिमित भोगी सत्य सार कवि गोविंद जोगी सावधान मांद मत हीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सुदशित अजर बिहारी गुनागार संसार सुख हरित विगत संदेह तजी मम चरत सरोज प्रिय तिनके कहु देह न गेह निज गुण श्रवन सुनत सकुचारी पर गुण सुनत अधिक हर्षारी सम शीतल नहीं त्याग ही नीति सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीति अमाया विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथार्थ वेद पुराना दम्भ मान मद करहि नकाऊ भूलि न देखि कुमारग पाऊ गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित पर हित रतिशीला मुनि सुन साधु कह गुण जेते कहि न सकै श्रुति तेते कहि सक न सारथ शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कपाल अपने भगत गुण जि मुख कहे शिशु नाई बारहि बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रहे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी रावनारी जस पावन गावही सुनई जे लोग राम भगति रण पावही बिनु विराग जप जोग दीप सिखा समझु पति तन मम जनी हो सी पतंग भजई राम तजी काम मद करही सदा सत्संग मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी जय सिया। दीन दयाल बिरग संभारी जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजना मिश्रा जी, आपने अभी रणी कांड का दोहा 20 से 40 दोहा 20-46 रणी कांड का पाठ किया और आज के पाठ की विवेचना चर्चा समीक्षा जो भी उचित शब्द श्री राजेंद्र राजेश कुमार मिश्रा जी जिन्होंने कल अरण्यकांड के पहले हिस्से की समीक्षा की वो करेंगे और उसके बाद में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आदरणीय राजेश जी को आमंत्रित करते हैं। जय श्री राम राजेश जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम सर। जय श्री राम सब आप सभी को।
कल हमने जो चर्चा की उस समय क्या हुआ था कि खरदूषण का विनाश हुआ था और उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंचकर सारी बातें बताती है कि क्या हुआ। खैर स्वाभाविक है वो अपनी भाषा में बताएंगी और फिर ताने देते हुए ललकारती हैं कि हे दशानन, क्या तेरे जीते जी मैं नकटी पूछी होकर जीऊं और अपराधी अरण्य वन में स्वच्छंद विहार करते रहें। इस तरह से काफी लथड़ती है अपनी बहन की ये दशा देखते हुए। किसी तरह रावण मनाते हैं क्योंकि सभा भरी सभा में बोलने लग जाती है सब चीजें, तो उसको किसी तरह मना के रावण उनको अपने महल में ले आते हैं। पर रावण को उस रात में नींद नहीं आती, अचानक उठते हैं और अकेले विमान में चढ़कर वहां चले जाते हैं जहां समुद्र के किनारे मारीच रहता था। उधर जब लक्ष्मण वन में कंदमूल फल लेने गए तो जनक नंदिनी, अब देखिए एक तो रावण के साइड का एपिसोड चल रहा है, पैरेलल में दोनों चीजें चल रही हैं। इधर क्या होता है, इस साइड की बातें हो रही है। अब इधर क्या होता है कि जब लक्ष्मण वन में कंदमूल फल लेने गए तो जनक नंदिनी से श्री राम जी बोले कि मैं कुछ सुहावनी मनुष्य लीला करूंगा। देखिए ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, अरण्यकांड में बहुत स्पष्ट दिया हुआ इस बात को। राम जी सीता मैया से कहते हैं समय देख के, जब लक्ष्मण जी नहीं थे, कि मैं कुछ सुहावनी मनुष्य लीला करूंगा। भगवान की शब्दों को देखिए, तुम तब तक अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का विनाश न कर डालूं। कितना क्लियर कट निर्देश है, इसको पढ़े बिना सीता मैया की अग्नि परीक्षा और लेके कितनी सारी बातें करने लग जाते हैं लोग। यहाँ पे काफी स्पष्ट है क्या हुआ था लीला, और भगवान की इस ऊंचाई को जरा समझने के लिए बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो खैर सारांश हम देख लेते हैं क्या हुआ कथा भाग में। सीता माता अपने स्वामी के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में समा जाती हैं और अपने ही तरह अपना प्रतिबिंब वहां रख छोड़ती हैं। अब यहां से जो सीता का एपिसोड है, सीता माता का एपिसोड है, वो प्रतिबिंब के साथ हुआ है, सीता मैया वहां पे नहीं है, स्पष्ट है इस भाग में अरण्यकांड के। अब उधर क्या होता है, किसी तरह से रावण मना लेते हैं मारीच को और उसको कपट मृत के रूप में कहते हैं कि आप जाके वहां पे अपनी अपनी संरचना जो बताते हैं उसके अनुसार कार्य करिए। और किसी तरह से रावण सीता हरण करने में सफल हो जाते हैं, चूंकि सारांश में कहनी तो विस्तृत नहीं बात कर रहा हूं इस पे, और उसे लंका ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे रख देते हैं। रास्ते में जटायु सीता माता को छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर रावण को बहुत बुरी तरीके से घायल कर डालते हैं। इतने जटायु उस उम्र में भी रावण जैसे शक्तिशाली को इस बुरी तरीके से उन्होंने घायल कर दिया था। रावण क्या करता है, जस्ट मौका जहां पे सांस लेने के लिए एक मिनट के लिए रुकते, जटायु जटायु लड़ाई करते करते थोड़े थक गए थे, वो मौका देखकर रावण उनका पंख काट देते हैं वहां पे। वरना भगवान के भक्त की ताकत को देखिए, जटायु के सामने रावण ठहर नहीं पा रहा था। शायद ये रावण ऐसा नहीं करता तो जटायु और सीता मैया को ले जाने ही नहीं देते, ये ताकत होती भगवान के भक्तों की उस उम्र में भी। उधर जब दोनों भाई कुटी में लौटते हैं तो सीता माता को न पाकर श्री राम जी अब साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो विलाप करने लगते हैं। अब तुलसी बाबा की बहुत सुंदर चरित्रण इसलिए किया है कि साधारण मनुष्य उससे लिंक कर सके। हम कहते हैं वी शुड बी एबल टू लिंक विद कॉमन पीपल, तो ये साधारण मनुष्य की भांति, क्योंकि सीता मैया का अपहरण को देखते हुए भगवान का विलाप दिखाए हैं उसने। दोनों भाई फिर सीता माता की खोज पे निकल पड़ते हैं तो रास्ते में घायल जटायु मिलता है। घायल जटायु जी का ये दूसरा मिलन है, कल मैंने पहले मिलन की बात की थी और दूसरा और आखिरी मिलन है श्री राम जी से, जो बताते हैं कि रावण सीता मैया को हरकर दक्षिण दिशा में ले गए हैं। एक निर्देश तो क्लियर कट जटायु जी से मिल जाता है, पहला दिशा की दक्षिण दिशा में रावण ले गए कंफर्मेशन मिल जाती है। फिर जटायु चूंकि अब भगवान को देख लेते हैं, वो तो भक्त थे, अखंड भक्ति का वर मांगते हैं
और श्री हरि के परमधाम चले जाते हैं। जटायु का भाग्य देखिए, श्री राम जी जटायु का दाह कर्म आदि की क्रियाएं अपने हाथों से कर कर फिर वन में आगे गमन करते हैं। भक्त को देखिए क्या भाग्य मिलता है। रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस का वध कर भगवान उसको सदगति देते हुए शबरी माता के आश्रम पधारते हैं, जो राम जी का स्वागत करके उन्हें स्वादिष्ट कंदमूल और फल खिलाती हैं। यह स्पष्ट है, कोई वो झूठे बैर वगैरह वाला कोई किस्सा नहीं है, स्पष्ट हो जाइए क्योंकि मैं पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पे कहीं भी वो मेंशन नहीं है। भक्तों की बातें होती है, कुछ लीलाओं के लिए सुंदरता के लिए किसी ने डाल रखा होगा, उनको धन्यवाद, बट ये सत्य में तुलसी बाबा के रामायण में नहीं कहीं भी अंकित। फिर सबरी ने राम जी से पूछा कि मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं। देखिए सबरी माता भक्ति में काफी परिपूर्ण थी, तब भी वो पूछती है, नम्रता देखिए कि भगवान राम से पूछती है कि मैं कैसे स्तुति करूं आपकी। श्री राम जी उस समय कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूं। देखिए भगवान से संबंध बनाने सिर्फ भक्ति का संबंध भगवान ने स्पष्ट किया है, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध ही मानता हूं। और उस बारे में फिर आगे बताते हुए अपनी नौधा भक्ति के बारे में बताते हैं। नौधा भक्ति का विवरण श्रीमद् भागवतम में भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे द्वापर युग का कहीं कहीं अंश है और यहाँ पे त्रेता युग का, थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। भगवान भी समय के अनुसार युग के अनुसार कहीं ना कहीं चीजों में परिवर्तन किए हैं, पर दोनों नौधा भक्ति में किसी को पालन करिए हर चीज वही पाएंगे आप। मैंने दोनों का एनालिसिस किया है, शायद एक मैंने अपने रामचरित भवन की पत्रिका में भी इस पे एक सार लिखी थी, एक है शायद ओम जी उस पे बता पाएंगे, कोई तो वंश है कहीं पे मैंने लिखा था। तो ये नौधा भक्ति एक ही है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अंत में सबरी से कहा, देखिए राम भगवान क्या कर रहे हैं शबरी माता से, चूंकि शबरी माता कह रहे हैं आप में नौ प्रकार की भक्ति दृढ़ है। देखिए ऐसा ऐसा कहीं चित्रण बहुत रेयर मिलेगा जब नौधा भक्ति के नौ गुण को परिपूर्ण और कौन सर्टिफाई कर रहे हैं, भगवान राम स्वयं। बहुत ही अद्भुत लीला है यहाँ पे। अतः वो उस गति को पाएंगी जो योगियों को भी दुर्लभ है, भगवान कह रहे हैं। सबरी माता का स्थान कितना उच्च है देख लीजिए आप, उनकी भावनाओं को और उनकी स्तर को। कल मैंने चर्चा के दौरान एक और भक्ति की बात की थी, पर आज ये भक्ति की परिपूर्णता की बात भगवान राम खुद कह रहे हैं शबरी माता के माध्यम से। फिर सबरी माता से श्री राम जी ने सीता के बारे में पूछा, जो उनका मेन उद्देश्य था जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे थे। सबरी ने उनको पंपा नामक सरोवर में जाने की सलाह दी। देखिए भक्ति भगवान का कैसे जब भी मौका मिलता है कैसे हेल्प करना चाहता है, भगवान कैसे सेवा लेते हैं। जहां उनको सुग्रीव से मित्रता होनी थी और सब हाल वो बताने वाले थे आगे का, यह बताकर शबरी माता अब सब कुछ तो परिपूर्ण हो गया था, भगवान से अच्छा दर्शन मिल गए थे, योगाग्नि में अपना देह त्याग कर दुर्लभ हरिपद को लीन हो गई। ये तो एश्योरेंस भगवान ने खुद दे दिया था। भगवान पंपा सरोवर पहुंच जाते हैं, श्री राम जी अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान करते हैं, फिर वहां उनसे मिलने नारद जी पहुंच जाते हैं। उस समय ये भी बहुत अद्भुत समय है, देखिए ध्यान से, मौका देखकर नारद जी उनसे पूछते हैं कि हे राम जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, एक एपिसोड है, आज तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सुंदर से दिया है उसके बारे में, और मैं विवाह करना चाहता था, एक बार ऐसा हुआ था मोहिनी रूप में आ गए थे भगवान जी और नारद जी को देख टेस्ट कर रहे थे, पर नारद जी इतने मुक्त हो गए कि विवाह करना चाह रहे थे उस रूप से, तो आपने किस कारण से मुझे विवाह नहीं करने दिया। श्री राम जी उत्तर में जीवन का गूढ़ रहस्य बताते हैं, बहुत ही गूढ़ रहस्य है, सरा बोर हो जाएंगे आप यदि ध्यान समझ पाए इस बात को, तो जीवन का रहस्य मिल जाएगा आपको, जिसमें नारद जिससे नारद जी पूरा संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरा एक प्रश्न पूछते हैं जो शायद हम सबके लिए कल्याण के लिए पूछा उन्होंने, संतों के गुण के बारे में। और यहाँ पे देखिए भगवान के मुख से अपने संत कौन है जो भक्त हो सकते हैं, तो भक्तों के गुण क्या होने चाहिए उसके बारे में नारद जी को बताते हैं। शायद हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए इससे,
और नारद जी सिर नवाकर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और यहाँ पे अरण्यकांड पूर्ण होता है। अब आते हैं हम आध्यात्मिक सार कहाँ कहाँ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पांच बातें बताना चाहूंगा, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। भगवान राम ने सीता मैया को स्पष्ट कही राक्षसों का विनाश करने के लिए अग्नि में निवास करने कहा। अब ध्यान से देखिए, कल मैंने अनसुईया माता का जो मैसेज था, जो सीता मैया को उन्होंने ज्ञान दिया था स्त्री धर्म और स्त्री की ऊंचाई के बारे में, स्त्री शक्ति के बारे में मैंने कल बात की थी। यहाँ पे देखिए पुरुष कैसा है, वहां पे अपने एक उत्तम पवित्रता स्त्री के लिए एक पति के रूप में भगवान राम ने एक सर्वोच्च आदर्श पेश किया। मेरे अनुसार एक पति का सर्वोच्च आदर्श पेश किया है भगवान राम ने अपनी पवित्रता, स्त्री के पवित्रता, उस उत्तमता को सुरक्षित रखने के लिए। किस तारतम्य में हम बात करते हैं, नासमझी से पता नहीं कई बार अजीब अजीब बातें लोग करने लग जाते हैं सब दौर पे, पर्टिकुलर अग्नि परीक्षा और सीता माता के इस एपिसोड को लेके कितनी ऊंचा है। और सीता माता को देखिए, अपने पति की बात मानकर एक बार में पालन की, अपने स्वामी के चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में प्रवेश कर क्या करते हैं, वो एक सर्वोच्च आदर्श वाले अपने पति के प्रति, देखिए मेरे शब्दों को, सर्वोच्च आदर्श वाले अपने पति के प्रति नारी का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत की है सीता माता। ये है देखिए कैसा संबंध। आज के युग में पति पत्नी के रिश्ते की महत्ता को समझने हैं तो राम और सीता माता की लीलाएं मेरे अनुसार सर्वोच्च गुण रहस्यों से परिपूर्ण आदर्श पेश करता है। ये मेरे शब्द हैं, इस जो तारतम मैंने निकाली है, तो कृपया इस पे जरूर ध्यान दीजिए और इसको पालन करने और कराने की कोशिश करिए। खुद पालन करेंगे तब करा पाएंगे, हम खुद जिएंगे तब बोल पाएंगे। इवन बोलने का हक भी तभी बनता है जब जीते हैं हम, खुद अपने अंदर गुड़ गुड़ से गुड़ गुड़ रहस्यों को जीने लग जाते हैं तभी बोलने का दम भी बनता है हमें। दूसरा बात आध्यात्मिक सार पे हम देखेंगे, जटायु का अपने बढ़े उम्र को नजरअंदाज करके सीता माता को बचाने का भरसक प्रयास करना, यह संदेश देता है कि भगवान के कार्य करने के लिए, कृपया ध्यान से सुनिएगा, काफी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, भगवान के कार्य करने का जैसा भी मौका पड़े चूकना नहीं चाहिए, भले ही उम्र के किसी भी पड़ाव में हम क्यों ना हो। ये स्पष्ट कर रहे हैं जटायु जी, यदि ऐसा करते हुए प्राण भी निकल जाए तो दयालु भगवान उसे परमधाम ही देंगे। देखिए जटायु जी को क्या मिला, परमधाम मिला। तीसरी बात मैं कहना बताना चाहूंगा, भगवान राम ने शबरी माता से नौधा भक्ति बताते हुए स्पष्ट कहा कि वो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानते हैं। यहाँ पे ध्यान सुनिए, हमें भगवान से संबंध बनाना सिर्फ भक्ति का ही संबंध, भगवान ने स्पष्ट कही है मैं सिर्फ भक्ति का संबंध मानता हूं। और भगवान शिव जी ने भी, हम लोग काफी लोग भगवान शिव जी को भी अच्छे से मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव जी भी स्पष्ट कहते हैं कि हरि का भजन ही एकमात्र सत्य है, ये रामायण में कही है और श्रीमद् भागवत में जाएंगे तब तो बहुत ही सुंदर स्तुति और रुद्र गीता रूप में आपको मिलेगा, कभी मौका पड़े तो उसकी चर्चा करेंगे, आत्मविभोर हो जाएंगे। स्पष्ट कही है भगवान के बारे में, वहां स्पष्ट हो जाता है शिव जी भगवान जी का क्या रिश्ता है, कितना सुंदर रिश्ता है। आखिरी बात आध्यात्मिक सार के रूप में बताना चाहूंगा, 2046 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो लोग श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, गाएंगे उसका मतलब कहेंगे उसके बारे में और सुनेंगे, वो वैराग्य जप और योग के बिना ही, ध्यान सुनिए, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम की दृढ़ भक्ति पाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिला है हम सबके लिए, खुशी की बात है। हम यही कर रहे हैं आदरणीय ओम जी के सानिध्य में कि हम सब उनके पवित्र यश को गा रहे हैं और सुन रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि वैराग्य जब योग हम ना भी कर पाए हो, करना चाहिए कोई बात नहीं है, ना भी कर पाए तो श्री राम जी की दृढ़ भक्ति जरूर पाएंगे यदि वही सम्मान साथ हम कंटिन्यू रखें इस बात को। तो कितना हमारा संयोग है यहाँ पे। अच्छा, आज के समय में उपयोगिता मैं 2-3 बताना चाहूंगा, समय के साथ ही मैं बताऊंगा। मारीच द्वारा रावण की बातों को सुनकर विचारना
यहाँ पे बहुत सुंदर एक एपिसोड है जहाँ पे मारीच को जब मिलते हैं रावण जी, आज तो बता नहीं पाया उसके बारे में, तो वहां पे मारीच दुविधा में आता है, लेकिन वो एक बात सोचता है। और देखिए मारीच से राक्षसों से बहुत कुछ सीखने का इसमें संदेश है। मारीच उस समय कहते हैं 9 लोगों से विरोध कभी नहीं करनी चाहिए, उसमें कल्याण नहीं होता। और उसको जब पढ़ा तो मैं देखा ये आज के युग में भी उतना ही लागू, चाहे हमारे ऑफिस बोलिए, चाहे घर बोलिए, चाहे सोसाइटी बोलिए, चाहे राष्ट्र बोलिए, चाहे इंटरनेशनली बोलिए, पूरी बातों का यदि पालन करें तो हम आधे ज्यादा परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए मारीच जी ने क्या संदेश दे छोड़ा है हमारे लिए। धन्य है ये रामायण जिससे हम जुड़े हुए हैं, गदगद हो जाते हैं जब एक एक अंश से हम सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, भगवान ने यह स्पष्ट बात कही है कि कामदेव की सेना देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। देखिए इस स्टेटमेंट बहुत पावर है, बहुत ही ज्यादा पावर। एक्चुअल में शक्ति की बात करते हैं, यहाँ शक्ति है। आज के युग में जब हर तरफ से हर माध्यम से कामदेव की सेनाएं अपना प्रहार कर रही है, चाहे स्त्री पे हो चाहे पुरुष पे हो, तो हर इंसान को भगवान की इन बातों के अनुसार धीर बने रहने में ही कल्याण निहित है। आज हम यहीं पे भटके जा रहे हैं, ये धीर बने रहना ही हमारे लिए कल्याणकारक है। बहुत सुंदर संदेश है, 2-3 मिनट और है उसमें मैं फिनिश ही कर रहा हूँ। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नारद जी को दिए वरदान से यह स्पष्ट हो जाता है कि राम नाम सब नामों से बढ़कर है। ये नारद जी को ने एक वरदान मांगी थी, उसमें स्पष्ट होता है। उस एपिसोड को भी कभी चर्चा करेंगे, भगवान ने चाहा और आप लोगों की सब कृपा हुई तो बहुत सुंदर चर्चा है वहां पे। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में एक जगह भगवान का स्त्री के साथ के बारे में कही बातें, यहाँ पे भी कई लोग जो अनपढ़ गंवार टाइप समझने की कोशिश करते हैं, मेरे अनुसार तो यही शब्द उपयोग करूंगा, अज्ञानता से इतने परिपूर्ण होते हैं कि इन बातों के भी कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं लोग, वो बात आज जीवन के हर पग में चरितार्थ होती दिखती है ध्यान से देखेंगे तो। अतः भगवान के बताए निर्देशों का ध्यान रखने में, बुराइयों से बचते हुए हमें आगे बढ़ने का एक संदेश मिलता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। भले उन्होंने कुछ बात ऐसे ढंग से की है, पर उसमें संदेश में आज देखेंगे, आज स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, वही हाल है। और दोनों से बचने की जरूरत है, आज ये हालत हो चुकी है बुराइयों का हालत। तो इसके लिए शायद संदेश उन्होंने उस समय दिया जब नारद मुनि का समय था। उस समय हम कब सतयुग की बात कर रहे हैं, उस समय की बात अलग थी, आज के परिवेश में सब पर लागू हो रहा है। लास्ट बात 2 मिनट के अंदर, संतों के लक्षण बताते हुए भगवान राम ने जिन गुणों की चर्चा की है, सद्गुणों की, वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब एक एक गुणों की चर्चा हम करेंगे, मैं तो किसी फोरम में लेक्चर भी दे चुका हूँ, अभी रिसेंटली मैंने दिया था, बहुत ही सुंदर एक गुण है, आप आत्मविभोर हो जाएंगे। कभी मौका पड़े तो मैं भी चर्चा करना चाहूंगा, आप लोगों के सानिध्य में चर्चा करना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान की बातें मैं शेयर करूं और आप लोगों से बांटूं। आज के हर मनुष्य में इनमें से अधिक गुणों को अपनाने के लिए, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही संदेश मैंने उस फोरम में भी दिया था और मैं आज यहाँ भी देना चाहूंगा कि हम सब अपनाने की कोशिश करें। भगवान हम सबको यही शक्ति दे कि ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, भक्ति में उतरें। भक्ति में तो एनीवे हम जा रहे हैं, चाहे माने आप न माने। और धन्यवाद आप सबको आज के इस मौके के लिए और आप सबको सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपने तो ज्ञान की गंगा बहा दी। बहुत सुंदर राजेश जी, आपने पूरे अरण्यकांड की इतनी गहन समीक्षा की और बिल्कुल बनाए हुए फॉर्मेट के अनुसार, पहले कथा सार, उसके बाद में आध्यात्मिक सार और फिर जीवन में उपयोगिता। तो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग और उसे कवर पेज भी दिया हो द रिटर्न समीक्षा, सो दैट कैन बी अ मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। सो इस पे चूंकि थोड़ा समय है तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस। तो अगर आपका कि इस आज के जो पार्ट हुआ, आज के पार्ट में अगर आप देर से जुड़े हों तो कल तक, कल खरदूषण का वध हो गया, उनका उद्धार हो गया, उसके बाद की आज कथा है। तो आज तो बहुत सारी घटनाएं आज की कथा में, और
तो इस पर अगर किसी किसी की कोई टिप्पणी हो इसी इस जो आज बात हुई उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में तो आप कहें या कोई प्रश्न हो तो राजेश जी से हम पूछेंगे और बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. सो लेट मी ओपन इट फॉर डिस्कशन एंड क्वेश्चंस. ओम जी. हाँ सर. राजेश जी ने तो बहुत ही अच्छा ही व्याख्या की. एक कांड हमें बहुत पसंद है कि इसमें ज्ञान की जी गीता दो दो गीता है. एक तो लक्ष्मण संवाद है जो कि राम गीता कहा जाता है, उसके उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की, हमें समझ में आ गया सब कुछ. और दूसरा सबरी का नवदा भक्ति पर, उसमें हम सबसे अच्छा जो लगा कि नौम करने की जरूरत नहीं है, बस एक कुछ कर लो और उसी से काम चल जाएगा. ये हमें बहुत ही अच्छा लगा हमें कि कौन उतना नौ करता रहेगा, मैं कुछ एक कर लूंगा और बस हो गया, काम हमारा बन जाएगा. ये बहुत अच्छा लगा हमें. धन्यवाद राजेश. मुझे भी ना शबरी प्रसंग बहुत ही ज्यादा पसंद है. कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ वैराग्य या कुछ भी, बस अगर हम शबरी को फॉलो कर लें तो शायद कहीं हम भी ऊपर की तरफ आ जाए. थैंक यू सर जी आपके कमेंट के लिए. और एनीबॉडी हैव एनीदर कमेंट और कोई प्रश्न? आपने अभी मलिक जी एक अच्छी बात कही कि इसे बहुत ज्ञान 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 का कांड ऐसा कुछ कांड. हाँ तो जो कल मैं सोच रहा था कि ये अलग अलग जो कांड के नाम पड़े हैं तो अगर इनको हम इन इनकी विश्व कथा वस्तु और किस किस विश किस भाव पर ये कांड केंद्रित है तो उनके क्या नाम दिए जाएं. मैं ऐसे उल्टी सुल्टी बातें सोचता रहता हूँ. तो जब अयोध्या कांड की बात आ रही तो उसका तो नाम ही प्रेम कांड ही होना चाहिए. उसमें प्रेम कांड क्या, त्याग कांड, त्याग ही त्याग है. हर हर व्यक्ति त्याग करने के लिए तैयार है. तो पांच छह कांड का तो मैं सोचा, ये तो मेरी अपनी सोच है कोई, और हो सकता है कहीं विद्वानों ने पहले सोचा हुआ है. और ये जो अरण्य कांड है ये तो भक्ति का कांड है. यहाँ भक्ति ही भक्ति है, चाहे वो जटायु हो, चाहे शबर शबरी हो, चाहे अत्रेय ऋषि मुनि की बात है. और बाल कांड क्या है फिर मुझे नहीं पता. ये सब आपको जिज्ञासा कांड हुआ. और लंका कांड तो वीरता कांड है, ये वहाँ तो वीरता ही वीरता है. और उत्तर कांड तो ज्ञान का कांड है, वहां मेरे ख्याल से कोई विवाद नहीं है, तो ज्ञान ही ज्ञान है उत्तर कांड में. सो हम इन सब कांडों को इस प्रकार से, और बाकी कांड के बारे में सोचिए. बाल कांड तो आनंद का कांड है, उसमें भगवान जन्म लेते हैं, सीता जी की विवाह होता है राम के साथ, इससे आनंद की बात क्या हो सकती है. तो ये इस प्रकार से आई थिंक इन सब कांडों को हम इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि किस किस तरह के कांड हैं. या चाहे किष्किंधा कांड पल हम सुनेंगे उसको, वो शायद मित्रता का कांड है, मैत्री का कांड है. और अब आप यू थिंक अबाउट इट, मैंने जस्ट थॉट अकर टू मी यस्टरडे, सो मैं सोच रहा था और आपने चूंकि मुझे मौका दे दिया मलिक जी तो आई शेयर विद यू. आप भी सोचिए. और इसी जो इसका ग्रुप है मानस श्रावण पाठ का, उस पर यू राइट व्हाट यू थिंक के लिए जो सात कांड है वो क्या क्या क्वालिटी को, ज्यादा ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. दो दिन बाद और करूंगा, जो आज के समय आज के कॉन्टेक्स्ट में ऑफकोर्स यू नो राजेश जी की समीक्षा के बाद में कुछ रहने पर रहने जाता. तो यहाँ पे आप बात आती है जटायु जी की और सुग्रीव. सुग्रीव का भी रेफरेंस यहाँ पे आ गया है. सुग्रीव का इंट्रोडक्शन हुआ, सीता जी का अपहरण हो गया, और पहले उनको दो ही व्यक्ति मिलते हैं लंका जाने के पहले, एक है जटायु, दूसरे है सुग्रीव. और जटायु जब देखते हैं कि एक नारी का अपहरण हो रहा है तो उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं, अपने प्राण दे देते हैं. और सुग्रीव जी जब देखते हैं कि एक नारी का अपहरण हो रहा है और उन्होंने तो वहां पे अपने वस्त्र आदि डाल दिए हैं, तो वहां बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं है. ये दोनों में फर्क है. ये एक जटायु है, एक सुग्रीव. जो सुग्रीव अपना उनकी रक्षा के लिए, जटायु को पता होगा कि वो प्रकृति प्राण नहीं बचेंगे. रावण बहुत वीर था हम पता है, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा. लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं अगर छोटे मोटे उनको उसको संहार कर देते हो. तो जानते हुए कि उसके प्राण चले जाएंगे फिर भी उसने, और उन्होंने कहना चाहिए मुझे जटायु ने,
अपने मरते दम तक सीता की रक्षा करने का प्रयास किया। और उधर सुग्रीव वहां तो हनुमान जी भी थे, तभी भी सुग्रीव कुछ एक्शन नहीं लिया, वहां बैठा रहा। तो हम जीवन में सुग्रीव बनना चाहते हैं जटायु, ये हम सोच लें। दूसरी जो मायावी सीता जो भगवान ने रचना की, कल शूर्पणखा की बात हुई थी, तो शूर्पणखा भी मायावी बन के आई थी, अपना असली रूप में नहीं आई, और उसने मायावी रूप से छल करना चाहा। तो राम जी ने सोचा रावण को नाश करने का शायद यही तरीका अच्छा है, मैं भी एक मायावी सीता की रचना करता हूँ जो इस रावण का नाश कर देगी। तो वहां मायावी सीता की रचना की और जो असली सीता है वो तो अग्नि में प्रवेश होगी। और अंत में तीसरी बात मैं कहूंगा, राम जी के पास, राम जी ने दो विवाह में इन्वॉल्व हो गए, एक तो नारद का विवाह और दूसरा शिव जी का विवाह। जब शिव जी की पहली पत्नी सती हो गई, तो शिव जी अकेले हो गए, तो उनका विवाह आवश्यक हो गया। तो सारी कथा हम पहले दो तीन दिन में सुन चुके हैं शुरुआत के। तो वो तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, तो उनको विवाह करने के लिए, वो विवाह नहीं करना चाहते निष्काम, राम जी ने उनको प्रेरित किया कि आप मेरे पर एक एहसान करो, मुझ पर एक कृपा करिए, आप विवाह कर लीजिए। तो वो एक बंदा है जो विवाह नहीं करना चाहता, उसको विवाह करने के लिए प्रेरित करते हैं, और यहाँ एक दूसरा बंदा है वो विवाह करना चाहता है, उसको विवाह नहीं करने देते। तो देखिए ना, समय समय पर आपको उसी परिस्थिति में बिल्कुल अपोजिट निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर वहां शिवजी विवाह नहीं करते तो बड़ा अनर्थ हो जाता है, वो बड़ा भयंकर राक्षस पैदा हो गया, वो तो बिना शिवजी के पुत्र के बिना उसका नाश ही नहीं होना है। और या नारद विवाह कर लेते तो फिर तो पता नहीं क्या होता। तो ऐसा क्यों भगवान की लीला में, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो एक प्रश्न, जब हम लोग इस संक्षिप्त रामायण पे कौन सा संदर्भ आए थे, मल्लिक जी आपको याद होगा, आप भी आए थे इस्कॉन टेम्पल में, नॉट इस्कॉन टेम्पल बड़िया मठ में। तो आई थिंक आपके एक बेटे ने यह प्रश्न किया था, इट इज वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, क्योंकि नारद जी को विवाह क्यों नहीं करने दिया, ही हैज राइट टू। और अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि साधु संत विवाह नहीं कर सकते, वशिष्ठ जी का विवाह है, अत्रि जी की पत्नी है, विश्वामित्र जी का तो आपको तो पता ही है और सारी कहानी, और सारे ऋषि मुनियों की पत्नियां हैं, तो उनको पत्नी का अधिकार क्यों नहीं है। तो उसका जो उत्तर है यहाँ हमें अरण्यकांड में भगवान देते हैं। तो कई बार ऑन द सर्फेस ऑफ इट इट डजंट लुक लाइक फेयर, कि उनको विवाह करने का अधिकार था तो क्यों रोक दिया, उनके साथ इस तरह का चल भगवान ने किया। तो वहां पर हमें उसका अर्थ नहीं पता लगता, उसका अर्थ यहाँ अरण्यकांड में जाकर पता लगता। तो दिस समथिंग जस्ट अकर टू मी आफ्टर लिसनिंग टू टुडेज कमेंट बाय राजेश जी। सो आई थॉट आई जस्ट शेयर विद यू। तो इसके साथ ही समापन कर रहे हैं, अनलेस समबडी एल्स हैज एनीथिंग टू से, कुछ आपके मन में अभी कोई भाव जागृत हुआ हो, कोई विचार जागृत हुआ हो तो शेयर करें, नहीं तो फिर आज की कथा का समापन करें। चलिए सब शांत है तो बहुत सुंदर। सो पुनः डॉक्टर संजना मिश्रा जी को धन्यवाद आज के पाठ के लिए, बड़ा मधुर पाठ आपने 2:20 से 2:46 तक किया, और राजेश मिश्रा जी ने बड़े गंभीरता से इसका अध्ययन किया, उसकी समीक्षा की, और विजय जी तो संचालन कर ही रही हैं, विजय जी का संचालन अभी और चलेगा। तो कल होगा 20वां दिन, मंगलवार, और 2 अगस्त, और कल किष्किंधा कांड का पाठ होगा, पाठ श्री संजीव जनार्दन उदारकर जी करेंगे जो रोज यहाँ पर आ रहे हैं। और सर किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है मानस में, सिर्फ 32 हैं और पंक्तियों में भी सबसे कम पंक्तियां हैं, पर सब पूरी किष्किंधा कांड पूरी कथा की, सारा कथा से पूर्ण, और उसकी समीक्षा मेरे अनुज शिव अग्रवाल करेंगे। तो आप अवश्य बता रहे हैं जिसे आप लोग जा रहे हैं और कथा का आनंद लें। और इसके साथ ही मैं आदरणीय विजय जी को प्रार्थना करता हूँ आज का समापन करें। जय श्री राम विजय और जय श्री राम आप सबको। जय श्री राम सभी को। धन्यवाद संजना जी, बहुत सुंदर पाठ करने के लिए और समय अनुसार
और राजेश जी आपकी तो क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर विवेचन था। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को भी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।